बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब, आज मैं आपके लिए एक रिव्यू लेके आई हूँ। स्किन जेन ये हेयर रिमूविंग मशीन है, लेज़र ट्रीटमेंट है और आईपी हेयर लेज़र रिमूवल डिवाइस है ये। और इसमें तीन कलर्स आपके लिए अवेलेबल हैं और इसकी स्पेसिफ़िकेशन और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मैं आपके साथ सारे शेयर करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है इसका पल्स लाइट है और जी इसके जो सा उसका लैंप है उसकी कैपेसिटी बताई हुई है। 8 लेवल्स होते हैं इसके और 9 लाख इसके जो हैं वो हैं शॉर्ट्स हैं और 4.2 सेंटीमीटर इसका वो है जो ट्रीटमेंट एरिया है। बाकी पीछे जो भी उसके ऊपर जो उन से पार्ट्स हैं, कहाँ पे बटन है, कहाँ पे स्विच है, वो सारा कुछ बताया हुआ है। और यहाँ पे इस डब्बे के ऊपर आपको बताया गया है कि कितनी वोल्ट पावर है इसकी, 36 वोल्ट है और वोल्टेज इसकी है 12 वोल्ट तक। और इसकी बाकी जो यूजेज है वो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने इसको तकरीबन 3-4 माह से, बल्कि शायद इससे ज़्यादा से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग है। सो मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। ये इसमें जो उनसे कलर्स अवेलेबल हैं वो सारे मेंशन हैं। तो जनाब, इसको खोलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें आए हुए हैं। सबसे पहले तो जनाब ग्लासेस हैं, जो शायद इस सेट के साथ नहीं है लेकिन फिर भी इसके साथ ही मुझे रिसीव हुए थे। मैंने ऑनलाइन ये परचेज़ की थी। ये इसका अडॉप्टर है, ठीक है, और वो ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता। अगर आप बहुत इमरजेंसी में हो और आपको यूपीएस पे भी करना पड़े तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहता है। और ये इसका बटन है जनाब, इसको आप प्रेस करते हैं तो शॉर्ट स्टार्ट हो जाता है। और ये इसका फ़ैन शैन का कोई सिस्टम है और यहाँ पर इसकी पिन लगती है पावर प्लग की। चलिए अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करके आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको दिखाऊँगी, देखें अभी शायद थोड़ा जूमिंग प्रॉब्लम है लेकिन मेरे जो बाल हैं वो इतने ज़्यादा नहीं रहे हैं। मैं तकरीबन 4-5 माह से यूज़ कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग है। ये जो बाल हैं मैंने जानबूझ के थोड़े से, यानी पिछले 2-4 ट्रीटमेंट से मैंने इनको नहीं साफ़ किया क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैं आपके साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी हमने इसको पावर ऑन कर लिए, यानी कि इसका स्विच लगा लिए, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है। अब हम इसका पावर का बटन दबा के रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर इसके शॉर्ट्स मैंशन हुए हैं कि अभी कितने बकाया रह गए हैं। और इसी को हम दबाते हैं तो इसका जो पावर लेवल है 8 लेवल तक ये जाता है और वो लेवल चेंज हो जाता है। हाईएस्ट इसका 8 लेवल है और मैं उसी के ऊपर यूज़ करती हूँ ताकि कम शॉर्ट्स यूज़ हों और अच्छा रिज़ल्ट मिले आपको। तो हम इसको स्किन के ऊपर रखेंगे, स्किन को सेंसर जब कर लेता है तो इसका जो HR है वो ब्लिंक करना शुरू कर देता है। ये देखिए, ये ब्लिंक होता है तो आप शॉर्ट करें और ये हो गया, ठीक है, फिर से ब्लिंक हो रहा है। मीन्स कि इसने स्किन को, अब जब मैंने स्किन से हटाया तो ये देखें कि बिल्कुल स्टॉप हो गया है, ब्लिंक नहीं कर रहा। ये इसका सबसे अच्छा मुझे फंक्शन लगता है कि अनलेस आपकी स्किन इसके साथ अटैच नहीं हुई भी होती है, ये यानी कि शॉर्ट इसका काम ही नहीं करता। आप जितना मर्जी बटन को प्रेस करें ये नहीं काम करेगा। तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा एरिया में आपको करके दिखा देती हूँ। और बहुत ही पेनलेस है, बड़ा ही आराम से ये काम हो जाता है। और स्किन में जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करते हो हल्का सा शाइन आ जाता है। ये जो बाल है ना लंबे वाले, मैं अभी आपको ये वाले करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा फोकस कर लें इसको। हाँ जी, हल्के से आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मेरी यानी कि ये मेरी कंडीशन अब रह गई है बालों की, किस तरह के होते हैं। तो ये थोड़ा लेंथी है बाल, इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ऊपर से जिस तरह बाल जल जाते हैं ये उस तरह होता है। और जब आप इसको, आप पहले इरेजर यूज़ करेंगे, ब्लेड यूज़ करेंगे, उससे आपने बाल साफ किए, उसके बाद जो रूट्स रह जाती हैं, जड़ें रह जाती हैं, देखें ये भुर गए हैं, जल गए हैं बाल, ये लेंथी थे, थोड़े लंबे बाल थे। अदरवाइज को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप ब्लेड फेरते हैं और जो रूट्स होती हैं उनको आप, ये जो IPL हेयर लेज़र रिमूवल है इसके थ्रू आप इसको अपने जो रूट्स हैं उनको जला देते हैं और बाय द टाइम आपके बाल आना ख़त्म हो जाते हैं। ये देखें,
अभी ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। और जितना भी आपका आप इसको फेस पे यूज़ कर सकते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नो लॉक शॉर्ट्स जो हैं वो इनफ हैं आपके एक सिंगल यूज़ के, आप फैमिली में भी यूज़ कर सकते हैं। देखें स्किन में एक अलग सी शाइन आ जाती है और बाय द टाइम आपके बाल भी ख़त्म हो जाते हैं। सम टाइम होता है कि शॉर्ट वर्क नहीं कर रहा होता, लेकिन ये कि दोबारा उठा के इसको वापस रखें तो वो एक्टिव हो जाता है। ये देखें बिल्कुल क्लीन हो जाता है आपकी स्किन इतनी अच्छी। आप ले आप जब वैक्स करते हैं उससे भी इशू आता है, आप थ्रेडिंग करते हैं उससे भी इशू आता है। तो ये चीज़ बहुत ही बेस्ट है आपके इस्तेमाल के। अभी देखें मैंने बगैर उसके स्किन के जब मैं इसका बटन दबाऊँगी तो ये देखें इसका कोई पल्स नहीं चलेगा, शॉर्ट्स नहीं एक्टिव होंगे। और अभी देखें इसका शॉर्ट चल पड़ा है। तो ये इसमें सबसे अच्छा है कि आपका ऐसे ही जितना लेज़र आँखों के लिए बहुत नुकसानदेह है, तो इस हिसाब से भी ये काफ़ी सेफ है। अभी हमने इसको पावर ऑफ कर दिया है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसके अलावा दो और इसी टाइप की मशीन्स हैं, उनके रेट्स कम हैं जस्ट इसलिए कि उनके पल्स जो हैं वो थोड़े से कम हैं। तो अगर आप बाय करना चाहें तो मैं आपको तीन लिंक्स शेयर करूँगी, आप किसी भी लिंक के थ्रू जाके इनको बाय कर सकते हैं। रेट इसका जब मैंने इसको परचेज़ किया था इट वॉज़ 25,000 प्लस, और ये मुझे बहुत अच्छे रेट पे ऑनलाइन मिली और बहुत मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। और ज़रूर ये चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए हर घर में, मेरे ख्याल से आजकल ये होना चाहिए क्योंकि पार्लर जाने का टाइम हमेशा नहीं रहता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।